पंचदश नाम जूना अखाड़े कार्यालय ऑफिस में आज सवेरे गुंडा बदमाश आके संतोष कदम आ करके संतोष कदम मारा पीटी महात्माओं के साथ किया, गुंडागिरी किया, गाली गलौज किया, कार्यालय ऑफिस में आके चौकीदार को मारा, हमको भी बहुत गलत सलत बोला बोला। और कार्यालय ऑफिस में जाने के टाइम बाहर से इन्होंने ताला लगा दिया, आगे गाड़ी रख दिया, और भी बदमाश प्रकार के आ गए वहाँ, गुंडागिरी करने लगे, बोलने लगे उल्टे सीधे। ऐसे सरकार का साधु संतों के साथ मारा पीटी गुंडा बदमाश करेंगे तो शिवराज सरकार में क्या यही शिवराज सरकार के यही साधु संत की क्या रक्षा हो रही हो? क्या गुंडा बदमाश मारेंगे तो कैसे साधु संत रहेंगे और कैसे क्या करेगा? हमें न्याय मिलना चाहिए। आपका पूरा नाम बताओ। पंच थानापति देवगिरी नीलगंगा उज्जैन। सर एक मामला आया है महाराज के साथ मारपीट के लिए, क्या मामला? ये पंच दशानन अखाड़ा और सर्व अखाड़ा परिषद की एक भूमि है जहाँ पे इनका कब्जा है, जैसा इन्होंने बताया है। तो इस भूमि को लेके कुछ विवाद न्यायालय में विचाराधीन है। तो एक श्याम गृह निर्माण सहकारी संस्था है, तो वो दावा कर रही है कि वो ज़मीन इनकी है, और चूंकि अखाड़ा का कब्जा है उस भूमि पे, तो आज एक व्यक्ति वहाँ आया और उसने ताला लगा दिया उधर पे अखाड़े की जो भूमि है, गेट लगा है उस पे, और उसके अनाधिकृत रूप से प्रवेश करके वहाँ पे एक महाराज थे उनके साथ कुछ मारपीट वगैरह की है। तो इस संबंध में हम लोग वैधानिक कार्रवाई कर रहे हैं। सर वो कोई अपराधी भी रह चुका है जो व्यक्ति? हाँ, इसका बारे में पता है, तो इसका आपराधिक रिकॉर्ड मंगाया जा रहा है और फिर जैसे भी सूरत होगी वैसी कार्रवाई की जाएगी। अभी अनाधिकृत अतिचार और मारपीट और इन सब धाराओं में दर्ज किया गया। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।